जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव स्थित फार्म हाउस में बम ब्लास्ट और मजदूर की मौत मामले को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। गांव के ही इलेक्ट्रीशियन ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। घटना 28 अप्रैल को जाम सरार कला गांव में संतोष वैष्णव के फार्म हाउस की है। फार्म हाउस के मालिक से बदला लेने के लिए आरोपी इलेक्ट्रीशियन कुमार कंवर ने फार्म हाउस में बम फिट किया था, लेकिन काम करने वाला मजदूर इसकी चपेट में आ गया और आरोपी की प्लानिंग अधूरी रह गई। पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू की, संदेही कुमार कंवर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। 28 अप्रैल को प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास ये खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णो जी के फार्म हाउस पे एक इसी विस्फोट की वजह से नरेश कुमार उटे जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने FIR कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जनसाक्ष के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जांच पे बढ़े तो उन्हें ये पता चला कि वैष्णव परिवार का एक कुमार कुंवर जी हैं, उनके साथ में पुराना आपसी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे और CACB से ही अपने इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। उन्होंने अपना इलेक्ट्रीशियन होने का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया और लोकल स्तर पे जो बम थे, बम बनाने के लिए जो बारूद प्रयुक्त होता है उसको लेके 150-200 किलो के आसपास का एक लोकल बम बना के उनके यहाँ बोर के पास पे प्लांट कर दिया। उसके उनको उनकी मोटर्स ऑपरेंटी मालूम थी और वैष्णव परिवार के लोगों में से किसी का हित हो तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो इनके परिवार का आएगा जो स्विच को ऑन करेगा और जिसकी वजह से उनके घर में दुर्घटनाकारी होगी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के किसी भी व्यक्ति ने वहाँ नहीं गया, उनके पिताजी भिलाई में एडमिट थे, तो उन्होंने नरेश कुमार ओसी जी को बोला कि आप यहाँ पे मोटर को चालू कर देंगे करके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।